व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लवर। काफी शानदार डिस्कशन रहने वाला है। सारे कॉन्सेप्ट का बैकग्राउंड में इन्फॉर्मेशन देकर चलूंगा, पर आप लोग इसको और भी इंजॉय कर सकते हैं। क्या करना है आप लोगों को, जैसे ही क्वेश्चन दिखता है आप लोगों को यहाँ पर स्क्रीन पर वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, उसके बाद में नीचे क्वेश्चन का आंसर देना है, तब आगे बढ़ना है। इस तरीके से आप लोग इस वीडियो को अच्छे से इंजॉय कर पाएंगे और लास्ट में अपना टोटल स्कोर भी लिखना है कि आप लोग कितने मार्क्स आप लोग गेन कर पाए हैं। ओके, तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। काफी शानदार क्वेश्चन आप लोगों के सामने होंगे और यहाँ पर हमारा एनवायरमेंट और साइंस के ऊपर फोकस रहने वाला है। ओके, तो देखिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर ये फर्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आप लोगों को थोड़ी अपनी इमेजिनेशन लगानी पड़ेगी 3D के पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब आप लोगों को देखना पड़ेगा किस तरीके से क्या क्या हो रहा है। जैसे बोला गया है कि व्हाट वुड हैपन इफ द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन बट डिड नॉट रोटेट, तो होता क्या है। पिक्चर देखिए एक मिनट, यहाँ पे ये हो गया बीच में सन, ये हो गई हमारी अर्थ। तो अर्थ क्या होती है आप लोगों को पता है, थोड़ी सी टिल्टेड होती है, टिल्टेड मतलब तिरछी होती है थोड़ी सी, ठीक है। इस तरीके से आप लोग देखेंगे झुकी हुई होगी थोड़ी सी, तो इस तरीके से आप लोग देखते हैं। तो दो काम करती है अर्थ, एक तो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है, ठीक है, ये पता आप लोगों को, इसको रिवोल्यूशन बोलते हैं। एक क्या करती है, अपनी खुद की ही दूरी पर घूमती है, मतलब अपने आप भी एक गोल गोल चक्कर लगाती है, खुद की दूरी पर घूमती है। तो ये वाला तो चल रहा है यहाँ पर, इसके बारे में कोई बात नहीं बोली जा रही है, पर जो खुद घूम रही है उसको बोल दिया गया इन्होंने रुक जाए अगर तो क्या होगा। तो ये है आप लोगों का क्वेश्चन। अब स्टेटमेंट पढ़िए, आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर देना है। यहाँ पर अच्छे से स्टेटमेंट्स को देखिए सारी एक एक करके। फर्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पर, साउथ पोल वुड ऑलवेज बी इन द डार्कनेस, ऐसा हो सकता है। सोचिए थोड़ा सा, देखिए यहाँ पर आप लोगों को मैंने अभी दिखाया, मान लीजिए अर्थ जो है यहाँ पर, ये वाली आप लोग पिक्चर ले लीजिए, ठीक है, ये वाली पिक्चर ले लीजिए, ऐसे ये टिल्टेड है थोड़ा सा, मतलब जो ये वाला पोल है ये थोड़ा पीछे है, उस साइड में है, ठीक है। तो आप लोग देखिए अगर ये यहाँ पर इस साइड में रहेगा तो यहाँ पर फिक्स है, अभी ये घूम नहीं रही है यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे जैसे यहाँ पर इस साइड में तो मान लीजिए दूर है, पर लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर आएगा ये ऐसे रहेगा, यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ये वाला पोल, फिर ये वाला पोल यहाँ पर ऐसे आएगा, तो यहाँ पर तो पास में आ जाएगा ना, यहाँ पर दूर में है पर यहाँ पर पास में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ऐसा नहीं है, साउथ और नॉर्थ पोल है, छह छह महीने के लिए आप लोगों को देखने को मिलेगा, एक जगह दिन होगा एक जगह रात होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को कंडीशन देखने को मिलेगी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो गया यहाँ पर, गलत हो गई। ऐसा नहीं है कि एक पर यहाँ पर रोशनी होगी और दूसरे पर दे रहा होगा। तो आप लोग थोड़ी सी यहाँ पर अगर चीजों को एक बार फील करेंगे कैसे घूम रही होगी, अपने आप को सूरज की जगह पर रख दीजिए बीच में और अपने आप को एक गेंद पकड़िए अपने हाथ में और उसको घुमाइए थोड़ा सा टिल्टेड करके, उसमें एक पेंसिल डाल, या फिर आप लोग ऐसा कर सकते हैं जैसे ऐसे नहीं होते एप्पल वगैरह, एप्पल में एक निडल डाल दीजिए और उसको अपने हाथ में पकड़िए, उसको ऐसे घुमाइए यहाँ पर सात चार ओर, उसको थोड़ा तिरछा करके, तो आप लोग ये पूरी कंडीशन यहाँ पर समझ पाएंगे। ओके, सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट आप लोग एकदम समझ जाएंगे अगर फर्स्ट स्टेटमेंट समझ गए हैं। तो यहाँ पर बोला गया कि आधी पॉपुलेशन लगभग आप लोगों को इक्वेटर पर देखने को मिलेगा कि फ्रीज हो जाएगी। ऐसा कैसे हो पाएगा जब ऑलरेडी हम लोग बोल चुके हैं कि यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि वो तो है ही है ना, ऊपर भी जा रहा है सूरज और नीचे भी आ रहा है। हमने अभी देखा ना, यहाँ पर हम लोगों ने अभी देखा कि पहले यहाँ पर ज्यादा टाइट सूरज पड़ रहा है क्योंकि ये इधर पास में है और वो दूर में है, इधर नॉर्थ पोल आप लोग देखेंगे, पर लेकिन जैसे यहाँ पे आएंगे तो नॉर्थ पोल आप ये वाला जो साउथ पोल है ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, दूर चला गया नॉर्थ पोल पास में आ गया, तो सूरज तो ऑलरेडी ऐसे ही जा रहा है ना जैसे जाता है, तो ऐसे कैसे पॉसिबल होगा। तो सेकंड स्टेटमेंट भी क्या हो गया यहाँ पर, सेकंड स्टेटमेंट भी गलत हो गई यहाँ पर। थर्ड स्टेटमेंट देखिए, नेक्स्ट बात बोली जा रही है यहाँ पर, हीट एंड द विंड सर्कुलेशन ऑन द अर्थ विल बी अफेक्टेड। देखिए ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। आखिर कैसे है आप लोग पहले ये देख लीजिए, आप लोगों को इतना तो पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा थोड़ा। जो यहाँ पर ये अर्थ जो अर्थ होती है हमारी, जो ये रिवॉल्व करती है ऐसे, तो थोड़ा सा जो टिल्टेड होता है, झुका हुआ होता है थोड़ा सा यहाँ पर इसका जो पोल आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो इसको इसकी वजह से हमारे यहाँ पर सीजन होते हैं आप लोगों को देखने को मिलता है ना, समर हो गया, फिर यहाँ पर मानसून आ गया, फिर यहाँ पर विंटर हो गया, तो ये जो सीजन आप लोगों को देखने को मिलते हैं ये इसी की वजह से होते हैं। पर लेकिन जब ये अपनी ही धुरी पर ऐसे घूमती है एक जगह, उसकी वजह से क्या होता है, दिन और रात होते हैं, ठीक है, उसी की वजह से आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। अर्थ का जो टेम्परेचर है वो अलग अलग एरिया में अलग अलग रहेगा, पर लेकिन यहाँ पर एक पर्टिकुलर एरिया में आप लोगों को टेम्परेचर और प्रेशर का आप लोग डायरेक्ट कोरिलेशन जानते हैं यहाँ पर, और उसी की वजह से आप लोगों को देखने को मिलेगा हवा भी चलती है। ये कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को कई बार पढ़ा भी चुका हूँ, इसी वजह से हमारी कंट्री में जो मॉनसून आता है वो इसी रीजन से आता है, ठीक है। मॉनसून आप लोगों को देखने को मिलता है हमारी कंट्री में, जो मॉनसून आता है कहाँ से आता है, इस वाले रीजन से आता है। वो कब आता है, वो जब आता है जब यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है, तो गर्मी होने की वजह से क्या होता है, गर्मी होने की वजह से टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ता है, और जहाँ टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है वहां पर प्रेशर कम हो जाता है, और जब इधर प्रेशर कम होगा और यहाँ पर प्रेशर ज्यादा होगा, तो आप लोगों ने देखा होगा जैसे कोई गुब्बारा होता है उसमें अगर आप निडल लगा दीजिए, सुई चुबा दीजिए, तो हवा एकदम बाहर को भागती है। इसी तरीके से यहाँ पर कम प्रेशर होने
की वजह से इधर को भागती है हवा, और ये हवा क्या होती है, ये पानी लेकर आती है और फिर बारिश कराती है। तो इस तरीके से आप लोग इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा लंबा पड़ गया हालांकि क्वेश्चन, इस तरीके से लग रहा है जैसे पूरा कॉन्सेप्ट ही बताने बैठ गया हूँ। चलिए कोई नहीं, जिनको पता था अच्छी बात है, जिनको नहीं पता था उनको थोड़ा समझ में आ जाएगा। तो ये वाली स्टेटमेंट सही है यहाँ पर, ठीक है। तो क्या हो गया, बी स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो गई, ओके। तो आप लोग अब, तो ये था पूरा क्वेश्चन, तो प्रॉपर वे में इससे आगे आप 5-6 क्वेश्चन इससे अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर कोई इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं ये फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं, इनमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। पता होगा तो सही हो जाएंगे, नहीं पता होगा तो आप लोग छोड़ देना चाहिए, आप लोगों को अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। पर लेकिन अगर इनमें से आप लोगों को एक भी स्टेटमेंट पता है तो आप लोगों को थोड़ा ट्राई मारना चाहिए। जैसे बात की जा रही है यहाँ पर, ये है यहाँ पर एंजल फॉल्स के बारे में, तो ये कहाँ पर पड़ता है, वेनेजुएला में। बात की जा रही है कि क्या वेनेजुएला में पड़ता है, विक्टोरिया फॉल्स की बात की जा रही है कनाडा, और यहाँ पर जो नाइग्रा फॉल है इसकी बात की जा रही है यहाँ पर, यह है जाम्बिया। तो तीनों पहले आप लोगों को लोकेशन पता होना चाहिए। वेनेजुएला आप लोगों को साउथ अमेरिका में देखने को मिलेगा, ये नॉर्थ अमेरिका में, और ये आप लोगों को अफ्रीका कॉन्टिनेंट में देखने को मिलेगा। पर लेकिन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा ये वाला जो यहां पर ये है एंजल फॉल वेनेजुएला, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। वेनेजुएला की आप लोग लोकेशन देख सकते हैं, ये है यहां पर वेनेजुएला, ये है हमारा प्यारा भारत, यहां के कंपेयर में ये है वेनेजुएला यहां पर, ओके। नेक्स्ट जो आप लोगों के सामने स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है यहां पर बोली जा रही है विक्टोरिया फॉल्स के बारे में। ये यहां पर दोनों जो स्टेटमेंट है ये इन्होंने चेंज कर दिए, ये यहां पर देखने को मिलेगा और ये यहां पर देखने को मिलेगा। पर लेकिन यहां पर भी ये सिंगल सिंगल कंट्री नहीं होगी, इसके साथ में डबल कंट्री होगी, कनाडा के साथ में यूएसए आएगा। और यहां पर आप लोगों को मैप में दिखाता हूं मैं, देख सकते हैं आप लोग दोनों, ये देख सकते हैं यहां पर कनाडा हो गया ऊपर और ये हो गया यूएसए, तो ये वाला फॉल्स यहां पर पड़ेगा और दूसरे वाला हो गया यहां पर विक्टोरिया फॉल्स जो है ये देखने को मिलेगा, ये हो गया जाम्बिया और ये हो गया यहां पर जिम्बाब्वे, तो दोनों के बॉर्डर पर ये वाला एरिया हो गया, तो यहां पर ये पड़ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ स्टेटमेंट बेस आप लोग जो प्रैक्टिस हुआ करते हैं ना मैप की, तो थोड़ा मैप पे प्रैक्टिस किया कीजिए, ऐसे क्वेश्चन आप लोग आराम से करके ले जाएंगे। अगर यहां पर आप लोगों को पता है, मान लीजिए इसमें से आप लोगों को एक स्टेटमेंट पता है, ठीक है, आप लोगों को फर्स्ट स्टेटमेंट यहां पर पता है, तो आप लोग फर्स्ट स्टेटमेंट यहां पर सही हो गई, तो इसका मतलब क्या हो गया, सीधा सीधा ये दो तो आप लोगों के चले गए, अब इसमें से और इसमें से होगा, तो 50% चांस आप लोगों के क्वेश्चन सही होने के हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर 50% कहीं पर चांस होते हैं तो आप लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेना चाहिए, ओके। तो ये था यहां पर इसका आंसर है यहां पर ए। आइए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ये है डॉल्फिन से रिलेटेड, ब्लाइंड डॉल्फिन के बारे में बात की जा रही है, जिनको सुस भी बोला जाता है। ये लोकल नाम, इस तरीके के नाम भी कई बार आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं, गंगा रिवर में ये पाई जाती है, तो इनका नाम आप लोगों को पता होना चाहिए, थोड़ा सा माइंड में आइडिया होना चाहिए कि ये है क्या एक्चुअल में। देखने में कुछ ऐसी आप लोगों को नजर आएगी, यहाँ पर इसकी पिक्चर आप लोग देख सकते हैं, इस वाली फिश की यहाँ पर बात की जा रही है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या बात की जा रही है, तो ये क्या रीजन है, मतलब क्या रीजन नहीं है, तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पर नोट आ गया है, तो क्या रीजन नहीं है कि जिसकी वजह से ये डिक्लाइन नहीं हो रही है, ठीक है, मतलब इनमें से कोई सा रीजन नहीं है और बाकी के रीजन है, तो आप लोगों को वो सर्च करना है कि कौन सा रीजन नहीं है, ठीक है। पहला है यहां पर अनट्रीटेड जो अर्बन वेस्ट होता है आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, इंडस्ट्रियल जो वाटर से वेस्ट निकल के आता है वो यहां पर गंगा में छोड़ा जाता है, ठीक है, तो ये देखने को मिलेगा। जी हाँ बिल्कुल सही है, इसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। नेक्स्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा लॉस ऑफ हैबिटेट ड्यू टू क्रिएशन ऑफ डैम्स वगैरह बनाए जाते हैं, इसके अलावा इरिगेशन प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं, उसकी वजह से भी इनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, ठीक है। कई बार कई तरह के बैरेज वगैरह बनाए जाते हैं, तो ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, क्योंकि देखिए डैम हो गया, ये सब चीजें हो गई, इरिगेशन प्रोजेक्ट हो गए, ये कहीं ना कहीं एक फ्लो जो होता है ना रिवर का, उसमें ये बाधा क्रिएट कर देते हैं, तो कई बार आप लोगों को देखने को मिलेगा इनकी पॉपुलेशन सेपरेट हो जाती है, उसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, ठीक है। तो ये सारे रीजन बिल्कुल कॉमन सेंस से आप लोग लगा सकते हैं, कोई ज्यादा लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है। ये वाला थोड़ा आप लोग देखते हैं, इंक्रीज इन द एवरेज रिवर वाटर टेम्परेचर। देखिए रिवर का वाटर जो होता है आप लोगों को देखने को मिलेगा, नॉर्मली रिवर की बात की जा रही है तो वो चलता रहता है, ठीक है। अगर एक जगह थमा रहेगा तो उस पर ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा टेम्परेचर का, तो टेम्परेचर का ज्यादा इंपैक्ट यहां पर नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो रनिंग वाटर है, बात की जा रही है रिवर के वाटर की, ओके। तो क्या हो गया यहां पर, ये सी हो गया, ये सी हो गया यहां पर, जो कि फोर्थ है, ठीक है। तो आंसर हो गया सी, इससे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा यहां पर, जिससे कि इसकी जनसंख्या कम हो रही है, मतलब जो इसकी संख्या कम हो रही है, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर लद्दाख वाले एरिया से रिलेटेड, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, नॉर्दर्न इंडिया में पड़ता है, जम्मू और कश्मीर में, उस वाले रीजन की बात की जा रही है, जो कि यहाँ पर ग्रेटर हिमालय के अंदर में पड़ता है। तो किन किन कौन कौन सी यहाँ पर रेंज है, ये आप लोगों ने देखा होगा, काराकोरम रेंज है, जस्कर रेंज है, इसके अलावा आप लोगों को देखने को मिलता है यहाँ पर, मतलब कई तरह की यहाँ पर पीर पंजाल रेंज है, तो ये आप लोगों को थोड़ा आइडिया होना चाहिए, मैप में आप लोगों को पता होना चाहिए, तो किस किस के बीच में पड़ता है, थोड़ा मैप में यहाँ पर निहार लेते हैं। लद्दाख के बारे में जिक्र किया जा रहा है, तो ये हो गया यहाँ पर लद्दाख प्लेटू, ठीक है, ये वाला आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये वाला एरिया है, यहाँ पर ये तो नाम है, ये वाले एरिया की बात की जा रही है, ऊपर हो गई काराकरम और नीचे हो गई जस्कर रेंज, ठीक है।
तो इसके बीच में पड़ता है ये। ओके नीचे आप लोग देख सकते हैं, ये हो गई पीर पंजाल, यहाँ पर हो गया। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग इसको निहारा करिए ये मैप को, थोड़ा आप लोगों का आइडिया होता चला जाएगा। अलग अलग हिल्स के नाम दे रखे हैं, बहुत बार पूछी जाती है गायरो, खासी, जयंतिया। ठीक है, तो ये हिल्स कई बार पूछी जाती है किस वाले एरिया में पड़ती है, तो मेघालय आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से एबोर हो गया, मिसमी हो गया, ये सारी हिल्स भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। तो कुछ एरिया ऐसे हैं आप लोग देखते रहा कीजिए, खासकर जब हिल्स की बात आती है कई क्वेश्चन निकल जाते हैं आप लोगों के। ओके तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया ए। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो एस्ट्रोनॉट यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलते हैं मून पर जाते हैं, उनका जो सूट रहता है जो पहनते हैं, इस तरीके आप लोग यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं। बात की जा रही है इसके अंदर एयर क्यों फिल की जाती है, तो ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो देख लीजिए आप लोग क्या क्या स्टेटमेंट है यहाँ पर आप लोगों के सामने। बात की जा रही है सबसे पहली है, देयर इज नो एयर एंड दस नो एयर प्रेशर एट द मून। देखिए हमारी बॉडी और आप लोगों को देखने को मिलेगा एनवायरमेंट के बीच में, जो हमारे आसपास में जो लेयर है एटमॉस्फेयर का, वो इसी वजह से यहाँ पर पॉसिबिलिटी बन, इसी वजह से यहाँ पर चीजें एक बैलेंस बन पा रहा है, क्योंकि एयर प्रेशर रहता है और हमारी जो ब्लड है, ब्लड सर्कुलेशन हमारी बॉडी में होता है, वो उसी की वजह से आराम से हमारी चीजें चलती रहती है। अगर प्रेशर कम होगा तो आप लोगों को देखने को मिलेगा हमारी बॉडी में से, नाखों में से खून बाहर निकल के आने लगेगा। जी हाँ, तो यहाँ पर प्रेशर की वजह से हमारा जो बॉडी का वो बना रहता है, एक बैलेंस बना रहता है, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये है रीजन यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर एयर है तो मतलब एक क्या रहेगा, जो यहाँ सूट रहता है इसके अंदर इतना प्रेशर डाला जाता है जिससे कि एक बैलेंस बना रहे हमारी बॉडी के अंदर का जो प्रेशर है और हमारी बॉडी के बाहर का जो प्रेशर है। ठीक है, क्योंकि अगर एक भी साइड में प्रेशर घटता बढ़ता हुआ तो आप लोगों को पता है फिर फ्लो कैसे होता है, हाइयर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ को होता है, तो फिर आप लोगों को देखने को मिलेगा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो जिधर प्रेशर कम या ज्यादा हो जाएगा उसी साइड में फ्लो स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पर बॉडी से बाहर या फिर बॉडी के अंदर, तो ये चीज आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इस तरीके की बात है, आप लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों को पता होगा तो आप लोग आंसर दे पाएंगे आसानी से। आगे स्टेटमेंट दे रखी है एक्सट्रीम हीट की या फिर ग्रेविटी की या फिर हार्मफुल रेडिएशन, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पर स्टेटमेंट सही है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, पर आप लोगों को आइडिया होना चाहिए थोड़ा सा। ठीक है, खासकर जिस तरीके से आप लोग देखते हैं हमारी कंट्री में भी या ऑल ओवर वर्ल्ड बात की जा रही है पानी को सेव करने की, तो इस तरीके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। करेक्ट ऑर्डर आप लोगों को बताना है इंक्रीजिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वाटर ऑन द अर्थ, मतलब हमारी पृथ्वी पर जो पानी है सबसे ज्यादा किस एरिया में, किस उसमें पाया जाता है फॉर्म में, और सबसे कम किस में पाया जाता है। ठीक है, तो सबसे कम आप लोगों को रिवर में देखने को मिलेगा, इतनी बड़ी बड़ी रिवर होती है यहाँ पर, सबसे कम आप लोगों को ये जो अर्थ है हमारी, सबसे कम रिवर में आप लोगों को पानी देखने को मिलेगा। दूसरे नंबर पर रिवर से ज्यादा तो आप लोगों को एटमॉस्फेयर में पानी है, जो कि आप लोगों को दिखता भी नहीं है। ठीक है, रिवर से ज्यादा पानी एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है। फिर साल्ट लेक्स आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर देखने को मिलेगा, ग्राउंड वाटर, और सबसे ज्यादा जो पानी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा ये होता है आइस कैप्स में। क्यों? क्योंकि अगर मैं अपनी ही कंट्री के बारे में बताऊं तो आप लोगों को देखने को मिलेगा जितनी भी यहाँ पर नॉर्दर्न इंडिया हमारा, वहां की रिवर है वो मैक्सिमम इसी के ऊपर डिपेंड रहती है। आइस कैप से जो बर्फ के आप लोगों को ग्लेशियर देखने को मिलते हैं वो वहां पर पिघलते हैं और उसी से यहाँ से पानी बनकर आप लोगों को गंगा आप लोगों के सामने है। ठीक है, तो जिनको एवरग्रीन रिवर भी बोला जाता है। तो सबसे ज्यादा अर्थ पे जो रहता है ये बर्फ की फॉर्म में पानी पाया जाता है। ओके, तो ये ऑर्डर याद रखिएगा, कई बार इस तरह क्वेश्चन बनते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर चार स्टेटमेंट दे रखे आप लोगों के नीचे, यहाँ पर चार नाम दे रखे हैं मतलब। ठीक है ना, तो इनमें से बोला जा रहा है कि यहाँ पर जो चार नाम नीचे दे रखे हैं कौन से की यहाँ पर बातें कर रखी है यहाँ पर ऊपर। पहला बोला जा रहा है कि इन चारों में से कौन सा यहाँ पर इंडेमिक है वेस्टर्न घाट में। तो वेस्टर्न घाट में कौन सा यहाँ पर इंडेमिक पाया जाता है, वेस्टर्न घाट मतलब सदर्न इंडिया में आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, दूसरा इंडेंजर्ड स्पीसीज का दर्जा भी इसको दे रखा है IUCN के हिसाब से, जो IUCN की लिस्ट होती है उसके हिसाब से इसको इंडेंजर्ड का लिस्ट में रख रखा है। रेन फॉरेस्ट में ये रहने वाला है, ठीक है, ये बात बोली जा रही है। रैंक है अमंग द रियरेस्ट एंड द मोस्ट थ्रेटन स्पीसीज, तो ये देखने को मिलेगी आप लोगों को, मतलब रियरेस्ट एंड मोस्ट थ्रेटन आप लोगों को ये देखने को मिलेगा, ये भी उसी के बारे में बात की जा रही है। इंडेंजर्ड स्टेटस बिकेम द फोकल पॉइंट, मतलब बहुत ज्यादा फोकस दिया जा रहा था इंडेंजर्ड स्पेशल में, इंडेंजर्ड स्टेटस में, इसके लिए खासकर बात की जाए साइलेंट वैली के मूवमेंट में। ठीक है, 1970s में, तो कौन सा है जिसके बारे में ये बात की जा रही है, तो कौन है ये महान आत्मा, आप लोग यहाँ पर एक बार पिक्चर में इसको निहार लीजिए, ये है। ठीक है, तो ये आप लोगों के सामने पिक्चर है जिसके बारे में ये सारी बात की जा रही है। नाम क्या है यहाँ पर, आप लोग नाम भी देख सकते हैं। तो आंसर है यहाँ पर बी, ये है लायन टेल मकाउ। ठीक है, तो ये इसका नाम है। अगर बात करें ये नीचे वालों की, आप लोगों को देखने को मिलेगा ये वाला जो ब्लू आइज ब्लैक ल्यूमर की बात की जा रही है, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये मेडागास्कर में पाया जाता है। ठीक है, तो ये वेस्टर्न घाट में पाया नहीं जाता है, स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो गई। ये वाला आप लोगों को ये भी वेस्टर्न घाट में नहीं देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा आप लोगों को नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में। ठीक है, और यहाँ पर बात की जा रही है इंडेंजर्ड की, तो ये इंडेंजर्ड नहीं है, ये वनरेबल ग्रुप का है। ठीक है, तो इस तरीके से जो सारी स्टेटमेंट सही बात बैठती हैं वो बैठती हैं बी ऑप्शन पे। ओके, पिक्चर भी मैंने आप लोगों को दिखाई, तो थोड़ा सा माइंड में क्लियर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि जो
आप लोगों को देखने को मिलता है जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी जड़ जो होती है उनमें छोटी छोटी भी जड़ आप लोगों को देखने को मिलती है, उनको बोलते हैं रूट हेयर्स। तो वो क्यों इंपॉर्टेंट होती है प्लांट्स के लिए, पिक्चर आप लोग देखते हैं किनकी बातें कर रही है। ये तो हो गई जो आप लोगों को मेन जड़ देखने को मिलेगी, ये वाला पोर्शन, ये छोटी छोटी जो यहां पर दिखा रखी है इनके बारे में बात किया जा रहा है, इनको बोलते हैं रूट हेयर्स। ओके, तो इसके बारे में क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि ये क्या इंपॉर्टेंस है इनकी। तो पहला बोला जा रहा है कि ये इंक्रीज करती है सरफेस एरिया जो रूट का, जी हाँ रूट का सरफेस एरिया इंक्रीज कर देती है, जिसकी वजह से अगर एब्जॉर्ब करना है इनको वाटर वगैरह, ठीक है, कोई भी मिनरल्स आप लोगों को देखने को मिलेगा जो कि वाटर में डिजोल्व होते हैं या उनको एब्जॉर्ब करना है तो काफी आसानी रहती है। ठीक है, स्टेटमेंट फर्स्ट सही है, जी हाँ बिल्कुल सही है। इट प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट्स, ऐसा कुछ भी नहीं है, इनके अंदर फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है और सही स्टेटमेंट के बारे में पूछा जा रहा है, तो आंसर क्या हो गया, ए आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर डायरिया से रिलेटेड, इसको बोलते हैं दस्त लगना भी बोलते हैं नॉर्मली, और खासकर बच्चों में इंडिया में बहुत ज्यादा पाई जाती है और खासकर जो नए बेबी बोर्न होते हैं उनके लिए तो बहुत ही घातक सिद्ध होता है ये। तो बात की जा रही है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है इससे रिलेटेड, ये बहुत ज्यादा कॉमन है इंडिया में, जी हाँ बहुत ज्यादा बच्चों की डेथ होती है इसकी वजह से, स्टार्टिंग में बच्चों को दस्त लग जाते हैं और वो रुकते नहीं है, जिसकी वजह से आप लोगों को देखने को मिलेगा उनकी हालत बहुत कंडीशन खराब हो जाती है, फेटल हो जाती है एकदम, बहुत घातक सिद्ध होती है। इसके अलावा पानी और जो फ्लूड है बॉडी में से वो बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है, तो वेट बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है, उसकी वजह से भी यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा मंडराने लगता है, बहुत ज्यादा बच्चों की डेथ होती है इंडिया में इसकी वजह से। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये वेक्टर की इसका कोई रिलेशन नहीं है, वेक्टर से ये स्प्रेड नहीं होती है, इसका दूर दूर तक कोई भी रिलेशन नहीं है, ये मैक्सिमम फूड पॉइजनिंग की वजह से आप लोगों को देखने को मिलेगी, उल्टा सीधा खा लिया जाता है उसकी वजह से प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, बच्चों को जो खिलाना चाहिए उस पर फोकस नहीं दिया जाता है, कुछ भी खिला दिया जाता है उसकी वजह से देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये बातें आप लोग थोड़ा याद रखिए, कॉमन सेंस से इस तरह क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं, अगर थोड़ा आप लोगों ने इधर उधर सुना भी होगा इनके बारे में, सोसाइटी में बात होती रहती है कई बार। ओके, तो क्या हो गया यहाँ पर, सी आंसर हो गया यहाँ पर। इस तरह के क्वेश्चन भी कई बार आप लोगों को देखने को मिलेंगे कि अगर कोई प्लेन मिरर आप लोगों के सामने है, एक शीशा आप लोगों के सामने है प्लेन बिल्कुल, उसमें आप लोग एक मीटर की डिस्टेंस पर इधर खड़े हुए हैं, ठीक है, एक मीटर की डिस्टेंस आप लोग यहां पर है, तो आगे आप लोगों को जो शीशे के अंदर कितनी दूरी पर दिखाई देगा। ठीक है, तो प्लेन मिरर की बात की जा रही है, तो प्लेन मिरर में आप लोगों को यहां पर अगर एक मीटर आप लोग इधर खड़े हैं तो एक मीटर ही आप लोगों को उधर दिखाई देगा, जितना दूर जाएंगे उधर इमेज उतनी दूर जाएगी, जितना पास आएंगे इमेज उतनी ही पास आएगी। वो जो आप लोगों को नए फिनोमिनन देखने को मिलते हैं वो सारे स्पेरिकल जो मिरर होते हैं उनमें देखने को मिलते हैं, प्लेन मिरर में आप लोगों को ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, तो जितना आप लोग यहां रहेंगे उतना ही आप लोगों को यहां पर डिस्टेंस देखने को मिलेगी। तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया यहां पर ए। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतने ही, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोगों कितने मार्क्स यहाँ पर मिले हैं, फिर मिलता हूँ आप लोगों को मॉर्निंग में नैनो मैगजीन के साथ में, जिसमें हम लोग पीआईबी ऑल इंडिया रेडियो और कई सारी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन डिस्कस करते हैं जो कि आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो मॉर्निंग में 4 बजे डेली आप लोगों को वीडियो मिलती है, वो खासकर उनके लिए बता रहा हूँ जो नए स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों को देखने को मिलेगा कि आप लोग देखिए कई सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि नैनो मैगजीन है क्या, देखिए ये नाम मैंने खुद से रख रखा है यहाँ पर, आप लोगों को यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, मतलब पीआईबी देखने को मिलेगी, योजना यहाँ पर देखने को मिलेगी, ऑल इंडिया रेडियो की चीज देखने को मिलेगी, मैक्सिमम फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल इन्फॉर्मेशन दोनों का कॉम्बिनेशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, कुछ क्वेश्चन वगैरह भी होते हैं। ठीक है, तो मॉर्निंग में डेली 4 बजे ये वीडियो आती है। ओके, तो ये आप लोगों के लिए काफी फायदेमंद होती है। नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कितने आप लोग यहाँ पर मार्क्स आप लोगों ने गेन किया। इसके अलावा अपने आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन या प्लास्टिक बैग वगैरह बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। अगर लेक्चर पसंद आता है तो शेयर भी कर दिया कीजिए फेसबुक वगैरह पे, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग, जय हिंद।